तो दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इंटरम डिविडेंड के रूप में 1.80 रुपये के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा फ्राइडे का दिन 17 फरवरी। याद रखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1.40 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी द्वारा रखा गया है वो है 17 फरवरी। चलिए आप नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े से मिक्स है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखा जाए, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था, तो 2238 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1761 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2346 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 2094 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1650 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 2234 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्च किया, जिससे कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 174 करोड़ था, पिछले साल 135 करोड़, इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 190 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो हुआ करता था 1.85 के आसपास हुआ करता था, पिछले साल 1.44, अभी देखें तो 2.02 के आसपास हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो ईपीएस के अंदर भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर नंबर देखा जाए तो नंबर पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ाया है, ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी साल से साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको देखने को मिले। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी ऊपर की ओर आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड भी 1.40 रुपये का दिया, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।